हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इन दो शब्दों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, राइड वर्सेस ड्राइव। कभी कभी कंफ्यूजन अराइज हो जाती है कि कब राइड का यूज करना है और कब हमें ड्राइव का यूज करना है। तो आइए चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, राइड की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो राइड होता है टू व्हीलर्स के लिए। ठीक है, टू व्हीलर्स मतलब स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, मोपेड हो गई, है ना, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, इस तरह की चीजों के लिए। हालांकि हॉर्स, कैमल, एलिफेंट में कोई व्हील नहीं है, बट उसके लिए फिर सेकंड कंडीशन आ गई, जिस चीज के ऊपर बैठकर आप, है ना, उसके ऊपर बैठकर आप क्या कर रहे हो, उसको चला रहे हो, तो राइड होगा मेरे बच्चों। और अगर बात की जाए ड्राइव की, बात करें हम ड्राइव की, तो ड्राइव जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, फोर व्हीलर्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, टैक्सी हो गया, है ना, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्राइव यूज करेंगे। या फिर उसके अंदर बैठकर हम उसको चला रहे हैं, अंदर बैठकर कंट्रोल करके चला रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव, है ना। ऊपर बैठकर चला रहे हैं तो राइड, और बैठकर चला रहे हैं तो ड्राइव। चलिए जी, इस पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। राइड, आप साइकिल पर बैठकर इसके ऊपर बैठेंगे, बाइक के भी ऊपर बैठेंगे, हॉर्स के भी ऊपर और कैमल के भी ऊपर, तो इसीलिए राइड वाले एग्जांपल्स हैं। ड्राइव, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, बस के अंदर, टैक्सी के अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन चला रहे हैं तो, ठीक है। बट बात आती है कि जब एक पैसेंजर की बात हो जाए, जब एक पैसेंजर के तौर पर हम लोगों को चलना हो तो क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों राइड का यूज किया जाता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। माय फ्रेंड राइड्स मोटरबाइक्स, ठीक है, मोटरबाइक्स पर ऊपर बैठकर होता है, टू व्हीलर है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, राइड का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, ऑल माय कजन्स लव हॉर्स राइडिंग, तो राइडिंग हम लोगों ने यूज किया क्योंकि हॉर्स अगेन उसके ऊपर बैठकर है। शी ड्राइव्स बेंटले, यहां पर ड्राइव्स की बात की, बेंटले आप जानते हैं सभी की ड्रीम कार होती है, तो इसीलिए भैया ड्राइव का यूज किया क्योंकि फोर व्हीलर है और उसके अंदर बैठकर। ही रोड अ बस होम, अब भैया वो बस को घर पर नहीं लेकर गया, इसका मतलब वो बस में ट्रेवल करके, एज अ पैसेंजर की जब बात होगी, एज अ पैसेंजर की जब बात होगी, तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, राइड शब्द का यूज किया करते हैं। आई होप इन दोनों शब्दों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें।